मिनी काउशेड मिनी डैम। जमशेदपुर नाम के गांव में एक गरीब कॉलोनी हुआ करता था। उसमें राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो मिनी व्हीकल्स को तैयार करके अपने दोस्तों को देता था। इसकी वजह से वे राहुल को खूब पसंद करते थे। एक दिन राहुल के पास जिम्बो नाम का एक आदमी आया। अब राहुल से जिम्बो, अरे छोटू, तुम ही राहुल हो क्या? सारे बच्चे तुम्हारे बारे में ही बोल रहे हैं रे। तुम बहुत अच्छे खिलौने बनाते हो सुना है, मुझे भी कुछ खिलौने बना कर दोगे क्या? तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगा। यूं कहा तब राहुल, अंकल आपको कौन सा खिलौना चाहिए मुझे बताइए, स्कूल से आने के बाद फ्री टाइम में मैं आपको बना कर दे दूंगा। यूं कहा तब जिम्बो राहुल को कुछ खिलौनों का लिस्ट बताया। वो सुनकर राहुल, ये क्या अंकल, इतने छोटे छोटे खिलौने, इसमें तो सिर्फ लिलीपुट बैठ सकते हैं ना, मामूली लोग नहीं बैठ पाएंगे। जिम्बो, अरे भाई तुझे एक बात बतानी है, मुझे बचपन से ऐसे खिलौनों के साथ खेलने का खूब मन था रे। बस यूं ही मेरे लिए ये समझो कि मैं ही एक लिलीपुट हूँ, प्लीज बना कर दो रे। कहने से राहुल, ठीक है। ऐसे हफ्ता बीतने के बाद जिम्बो को राहुल खिलौने बनाकर दिया। उसे देखकर मन में जिम्बो, आहा ये खिलौना बहुत अच्छे हैं। इन्हें वो लिलीपुट को देकर उनका दिया हुआ कीमती रत्न को ज्यादा दाम पर बेच सकता हूँ। इस बच्चे को तो दो चॉकलेट दे दिया तो बस है, ये भी कुछ। अब से इसके टैलेंट के भरोसे वो लिलीपुट से जितना हो सके उतना हड़प लेना है। यूं सोचकर उन्हें लेकर जंगल में मौजूद लिलीपुट के पास जाकर लिलीपुट के राजा को दिया। उन्हें देखकर लिलीपुट राजा बहुत खुश हुआ। फिर जिम्बो से लिलीपुट राजा, रे जिम्बो, अब तक ऐसे ठीक ठाक बेकार चीजें लेकर आते थे, अब क्या रे ऐसे नंबर वन वस्तु लेकर आए हो, वेरी गुड वेरी गुड। उस दिन से जिम्बो राहुल को चॉकलेट्स देकर अलग अलग प्रकार के मिनी व्हीकल्स वस्तु सब तैयार करके उन्हें लिलीपुट को देकर उनके दिए कीमती रत्नों को लेता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जिम्बो से लिलीपुट, अरे गिम्बू अच्छे अच्छे वस्तु लेकर आ रहे हो रे, जो तैयार कर रहा है वो टैलेंटेड पर्सन से भी मिलवा दो ना रे। तब जिम्बो, भाई आपकी बातें सुनकर मैं हट हुआ हूँ भाई, ये किसी ने नहीं किया है भाई, मैं ही बड़ी मेहनत से दिन रात जग कर आपके लिए तैयार किया हूँ, पता है। लिलीपुट, ठीक है रे रो मत, वैसे तुम्हारे पास उतना टैलेंट है क्या रे, तो फिर एक काम करो, हमारे राज्य में ही कुछ समय बिताकर हमारे लोगों के लिए एक शेड एक मिनी डैम प्लीज बना कर दो रे, तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना दूंगा। तब जिम्बो, अरे अभी झूठ कहा, ये गिड्डा कहीं का ऐसे फंसा दिया, अब किसी भी तरह चकमा देना होगा वरना वो बहुमान जो है वो हाथ से छूट जाएगा, ऊपर से कुछ बहुत कीमती कह रहा है ना, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कहकर लिलीपुट से जिम्बो, भाई आप कुछ मत समझिए, मुझे एक अर्जेंट काम है, गांव जाना है, लेकिन आपके लिए बस एक थोड़ा बहुत टैलेंटेड बच्चे को तैयार किया हूँ, उससे आपको जो चाहिए वो पास रहकर कराओ भाई, वो भी अच्छा ही करता है। यूं कहने से लिलीपुट राजा ठीक है कहा। जिम्बो फिर राहुल के माता पिता से बात करके राहुल को लिलीपुट लोगों से परिचय करवाया। फिर राहुल लिलीपुट के लिए एक अच्छा सा काउशेड और एक डैम को बड़ी खूबसूरती से बनाया, और तो और खेती के लिए जो चाहिए वो बोर मोटर सब तैयार किया। ये सब देखकर लिलीपुट बहुत खुश हुए। फिर लिलीपुट से जिम्बो, भाई आप सब खुश हो ना, अब वो कीमती चीज देने से हम दोनों चलते हैं भाई, ये बच्चे को जाते जाते दो चॉकलेट्स खरीद कर देता हूँ। तब लिलीपुट, वो नहीं रे, तुम्हें तो गांव जाना था, लेकिन इतनी देर से रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह इस बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहे हो, यानी पूरा टैलेंट इस बच्चे का है, लेकिन इसे दो चॉकलेट देकर तुम धनवान बनते जा रहे हो, शर्म नहीं आती ऐसे किसी के टैलेंट को चुराने में। तब जिम्बो, भैया उसका टैलेंट तो मैंने ही पहचान कर आपके पास लाया हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए क्या? तब लिलीपुट, हारे तुमने पहचाना तो फिर मेरे पूछने पर तो तुम्हें सच बताना चाहिए था ना रे, मुझे क्यों झूठ बोले, इसलिए तुम्हें ये पत्थर और राहुल को ये कीमती हीरे दे रहा हूँ। एक और बात, बीच रास्ते में हीरे है ये सोचकर कुछ उल्टा सीधा सोचा और अगर उस पर नजर डाले तो मेरे बारे में जानते हो ना, यहाँ मंत्र पढ़ूंगा तो तुम्हारे घर से तुम हिल जाओगे, समझे। कहने से जिम्बो कुछ नहीं कर सका
और लिलीपुट ने जो दिया वो लेकर वहां से चले गए। फिर राहुल के लाए हीरों को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। ऑटो स्विमिंग पूल। मिर्जापुर नाम के गांव और उनके चारों के तरफ जमीन पूरा सूखा हुआ रहता था। बारिश भी अच्छे से नहीं बरसते थे, उसकी वजह से लोग कहीं दूर जाकर रेगिस्तान में पानी भरकर आते थे। उस गांव में पन्नालाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके घर में एक बड़ा स्विमिंग पूल रहता था, उसमें वो और उसके परिवार वाले स्विमिंग करते रहते थे। उसके स्विमिंग पूल में त्रिजोरी नाम का एक गरीब आदमी काम करता था। पन्नालाल हमेशा उसे डांटता रहता था। हर रोज त्रिजोरी स्विमिंग पूल को साफ करके बाद में एक टैंकर आकर फिर से उसमें साफ पानी से भरता था। एक दिन त्रिजोरी, मालिक अगर आप बुरा ना मानेंगे तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, ये क्षेत्र तो पानी ना होने के वजह से बहुत मुश्किल में है और आप लोग कभी कभार ही स्विमिंग करते हो मगर हर रोज पानी जो है उसे गंदे नाली में छोड़कर नया पानी भरते हो। कम से कम इस्तेमाल किया हुआ पानी को गरीबों को दे सकते है ना, ये शायद बड़ा मदद हो सकता है, जरा सोचिए। तब पन्नालाल ने उसे एक मारा। क्या रे, मुझे ही क्या करना सिखा रहे हो, ये तो पैसे देकर खरीदा हुआ पानी है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, वो मेरी मर्जी है, अगर उनको चाहिए तो उस गंदे नाली में से पानी भरने के लिए कहो। एक बार पन्नालाल और उनका परिवार शहर गए। बाद में गांव में कुछ औरतें बर्तनों के साथ जाते हुए देखकर, माँ जी पानी के लिए जा रहे हैं क्या, कितना दूर जाकर लाना पड़ेगा आपको? पानी के लिए ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलने की वजह से वापस जा रहे हैं जी, प्यास की वजह से सब गांव वाले मर जाएंगे लग रहा है। माँ आप लोग दुखी मत होइए, आके इस पुल से पानी लेके जाइए, हमारे मालिक दो दिन तक नहीं आएंगे तब तक आप लोग यहाँ से पानी ले जा सकते हैं। फिर वैसे ही गाँव वाले आकर वहाँ से पानी भर कर लेके जाने लगे और गरीबों को बच्चों को पूल में तैरने के लिए भी कहा। गांव आने के बाद पन्नालाल को ये बात पता चलने के बाद त्रिजोरी को खूब मारा। ए, तुम एक मिनट के लिए भी इधर नहीं रह सकते हो, चले जाओ यहाँ से, कहकर पैर से लात मारा। उसकी वजह से बेचारा त्रिजोरी उधर से चला गया। बाद में जंगल में जाकर दुखी से बैठ गया। तब उधर एक स्वामी जी आया। बेटा बहुत प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी है तो पिलाओगे क्या, यहाँ क्यों ऐसा पूरा जमीन सूखा हुआ है? तब त्रिजोरी ने उसके पास जो पानी था उनको दिया और फिर उनका पूरा परिस्थिति के बारे में बताया। स्वामी जी ने तभी हाथ घुमाते ही वहाँ एक तालाब प्रकट हुआ। बेटा तुम्हारा क्षेत्र को देखा तो कोई श्राप लगा जैसा है, इसलिए आप लोगों को पानी का मुश्किल है, अब ये तालाब कभी भी नहीं सूखेगा, इससे आप प्यास बुझाओ, कहकर चला गया। स्वामी जी ने अच्छे मन से तालाब दिया मगर इतना दूर हमारे गांव के लोग नहीं आ पाएंगे, औरतें और बच्चों को तो और भी मुश्किल हो जाएगा, मुझे ही कुछ करके उन तक पानी पहुँचाना पड़ेगा, सोचा। फिर उसने एक ऑटो स्विमिंग पूल को तैयार किया। उसे चलाकर तालाब के पास जाकर उसमें पानी भरा। फिर उसे चलाकर गांव में आकर जो हुआ वो सब गांव वालों को बताया। मेरे प्यारे गांव वाले, अब से आपको पानी मैं लाकर दूंगा, आप पानी भरने के बाद जो भी बचा हुआ पानी है उसमें बच्चे और बड़े आराम से तैर सकते हैं। वो सुनकर सब लोग ने खुशी से तालियां बजाए। फिर वैसे ही ऑटो से पानी भरने लगा और उसमें बच्चे और बड़े तैर रहे थे। उसने उनको पूरा गांव में घुमाया। कुछ लोग तो ऑटो के ऊपर से उसमें कूदकर तैरने लगे। वो देखकर पन्नालाल और उनके परिवार सर पकड़ लिया। ब्रिक व्हीकल्स। एक गांव में दीपू नाम का एक बच्चा हुआ करता था। दीपू के पिता वेंकट मेस्त्री के तौर पे काम करते थे। दीपू शादी होने के कई सालों बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसकी माँ दिव्या और पिता वेंकट दीपू को बहुत लाड़ प्यार से देखते थे। इस वजह से दीपू बिना कोई काम काज किए आलसी बन गया था। एक दिन दिव्या दीपू से, देखो दीपू तुम अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे तुम अपना काम खुद करना सीखो बेटा।
माँ, आपके रहते हुए मेरे काम करने की क्या जरूरत है, बोलो। थोड़े दिन बीते। दिव्या वेंकट एक शादी के लिए रिश्तेदारों के घर जाकर घर लौटाते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ। उस दुर्घटना में दोनों की मौत हुई। अब दीपू अनाथ हो गया। दीपू को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। दीपू अपने मामा राजेश के घर गया। दीपू को घर के बाहर ही रखकर, क्यों रे दीपू, ऐसे क्यों आना पड़ा? ये क्या मामा, आप पैसे बात कर रहे हो? आपके अलावा अब इस दुनिया में मेरा और कौन बचा है? थोड़े दिन आपके घर में रहने के लिए आया हूँ। रे धीरे बात करो रे, अगर तेरी मामी ने ये बात सुन ली तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। ये लो, ये 500 रुपए लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ। दीपू उदास होकर वहाँ से चला गया। दीपू अपने पहचानत के सभी घरों को गया। सब 100 या 200 रुपए दीपू के हाथ में थमाकर उसे भिजाने लगे। दीपू थोड़े दिन अपने पास मौजूद पैसों से बाहर से खाना लाकर खाया। थोड़े दिनों के बाद दीपू के पैसे खत्म हो गए। दीपू को अब क्या करना है समझ नहीं आया। अपने पड़ोस में रहने वाली सरला के घर गया। दीपू सरला से जो बीता वो सब बताया। चाची, मुझसे मेरी माँ ने बहुत बार कहा था कि मैं अपने काम खुद करूं, मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। वो भगवान मुझे इतनी बड़ा सजा देंगे कहकर मैंने नहीं सोचा था। आप किसी भी तरह मुझे खाना पकाना सिखाइए। आप साड़ियों का व्यापार करने बाहर जाते हो ना, तब मैं बिट्टू की देखभाल करूँगा। मना मत करो चाची, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें देखे तो मुझे दया आ रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है। ठीक है, बिट्टू की देखभाल करोगे बोल रहे हो ना, तुम्हें 2 वक्त का खाना खिलाऊंगी। बिट्टू की देखभाल अच्छे से करना होगा। एक दिन सरला बिट्टू को दीपू के पास छोड़कर काम पे बाहर चली गई। दीपू बिट्टू को खिलाने लगा। शाम को सरला घर आकर देखी, पूरा घर शांत था। सरला आश्चर्य में पड़ गई। इसे इतना खामोश रहते हुए मैंने कभी नहीं देखा रे। मैंने सोचा था कि अब तक तुम दोनों मिलकर घर में तोड़फोड़ शुरू कर दिए होंगे। वो बिट्टू अपने खिलौनों को तोड़कर नए खिलौने चाहिए कहकर रोने लगा था। चाची, मुझे क्या करना है समझ नहीं आया। जट से मेरे घर जाकर घर के पीछे मौजूद ईंटों से ये देखो, ये कार का खिलौना बनाया। इसे तोड़ने के लिए इसने बहुत कोशिश की मगर इससे नहीं हो पाया। तब से इसे बिना रोए खेलने लगा। चाची, क्या तुमने ईंटों से कार बनाया? ये कितना अच्छा है। तुमने खिलौने बनाना कब सीखा रे? पता नहीं चाची, बिट्टू जोर से रोने लगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। कुछ ना कुछ करके उसे चुप करवाने के लिए सोचा। ये देखो, इस कार के खिलौने को तैयार किया। देखा ना दीपू, वो भगवान हर इंसान को कोई ना कोई हुनर जरूर देते हैं। हम कोशिश किए तो वो क्या है हम पता कर सकते हैं। तुझ में छिपा हुनर आज ऐसे बाहर आई। तुम ईंटों से क्या क्या बना सकते हो बनाओ। दीपू अगले दिन से ईंटों से कार, जीप, ट्रक, बाइक, साइकिल, ऐसे तरह तरह के खिलौने तैयार करना शुरू किया। सरला उन सारे खिलौनों को ठेली पे रखकर बेचना शुरू की। वो खिलौने बहुत अच्छे दिखने के कारण लोग उन्हें खरीदने लगे। एक दिन सरला दीपू को स्कूल में भर्ती करवाई। सरला, मैं इतने दिन तुम्हें सिर्फ खाना ही दे पाई रे। तुम्हारे बनाए ब्रिक व्हीकल्स को बेचने के बाद मिले पैसों से ही तुम्हें स्कूल में भर्ती करवा रही हूँ। तुम अच्छे से पढ़कर बड़े आदमी बनोगे तो तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। आज से आप ही मेरे माँ हो। सरला बहुत खुश हुई। व्हील बैरो रेस। अलकापुर नाम के गांव में एक गरीब स्कूल और एक अमीर स्कूल अगल बगल में रहते थे। अमीर स्कूल के बच्चे मिनी कार्स और मिनी बाइक्स में आते थे और गरीब स्कूल के बच्चे तो पैदल से या साइकिल पर आते थे। अमीर बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे और गरीब बच्चे बाजू वाले ग्राउंड में गिल्ली डंडा खेलते थे।
उसे देखकर अमीर बच्चे उन लोगों को चिढ़ाकर मजाक उड़ाते थे। ए, क्या है ये चीप से गिली डंडा खेल रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं है क्या? दादाजी पर दादाजी का जमाने का खेल है वो, कम से कम पढ़ाई में भी हमसे अच्छा मार्क्स लाएंगे सोचा तो वो भी नहीं होता है तुमसे। तब मुन्ना नाम का एक गरीब बच्चा, ए हमारा पसंद का खेल हम खेलेंगे, तुमको क्या दर्द है? असल में इस खेल को देखकर ही अंग्रेज वाले क्रिकेट खेल को पता किया है, ये बात तुमको मालूम है? और मार्क्स की बात कर रहे हो, हमारे सब सब्जेक्ट के लिए बेचारे नवीन सर अकेले टीचर है, पर तुमको एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है, ऐसा है तो किसी को भी अच्छा मार्क्स तो आएगा ना? मगर हम लोग भी कुछ फेल तो नहीं हुआ ना? जाइए जाके अपना खेल खेलिए स्टूपिड फेलोस। तभी गुस्से में आकर अमीर बच्चों ने स्टंप्स और बैट्स से मारना शुरू किए, फिर गरीब बच्चों ने भी डंडे से मारना शुरू किए। ऐसे दोनों के बीच बहुत मारपीट होने लगा। उस झगड़े को देखकर टीचर्स भागते हुए आए। गरीब स्कूल का टीचर नवीन आकर उधर उनको छुड़वाते हुए, ए, 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 रुको रुको रुको, क्या है ये झगड़ा? स्टॉप इट स्टॉप इट। व्हाट नवीन, क्या है सब? अच्छा नाटक कर रहे हो हा? तुमने ही तुम्हारे बच्चों को बेचकर हमारे बच्चों को पिटवा रहा है। हर बार आपके बच्चों के वजह से ही झगड़ा होता है। तुम्हारे लोगों को कंट्रोल में रखो कहकर कितना बार कहना पड़ेगा तुमको? हेलो नंदन, फालतू के बात मत करो, हमारे बच्चे तो अच्छे वाले हैं, बिना कारण के झगड़ा नहीं करते हैं। आपके वालों ने ही कुछ कहा होगा, उसके ऊपर आपके वाले हमेशा हमारे लोगों का अपमान करना सही नहीं है। पहले आपके लोगों को गरीब लोगों का अपमान करना बंद करने को कहो। हमारे वाले पढ़ाई में खेल में और हर चीज में पहले रहते हैं कहकर तुमको जलन है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाके, उनको हमेशा झगड़ा के लिए बेचते रहते हो। आपके पास तो सब सुविधाएं हैं, इसलिए सब में फर्स्ट आते हैं। अगर हमारे पास भी सब सुविधाएं रहेंगे तो हमारे बच्चे भी सब में फर्स्ट आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर एक खेल गेंद या बैट ऐसा कोई भी इक्विपमेंट के बिना एक प्रतियोगिता रखेंगे, देखते हैं उसमें कौन जीतता है। ठीक है, लेकिन खेल क्या है ये मैं कहूँगा, कौन सा खेल खेलना है ये मैं प्रतियोगिता के दिन ही बोलूँगा। अगर आपके लोग हार गए तो उसके बाद से तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। रनिंग स्विमिंग जंपिंग ऐसा वाला है क्या? वो सब हमारे लिए तो बहुत इजी है, उसके लिए हमारे बच्चों ने स्पेशल कोचिंग भी लेकर रखे हैं। हम लोग कोई भी प्रतियोगिता के लिए तैयार है, क्या कहते हो बच्चों? तब सब अमीर बच्चे यस 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 कहकर हाथ उठाकर हिलाए। अगले दिन ग्राउंड में कुछ धक्का देने वाले गाड़ी थे, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। बच्चों कुछ लोग कुत्ते की तरह चलो और कुछ लोग उन गाड़ियों को धक्का दो। वैसे ही बच्चे कुछ दिन प्रैक्टिस करने लगे। उनको देखकर नंदन और उनके बच्चे हंसने लगे। फिर एक दिन वो प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। बोलो नवीन कौन सा खेल है? कोई भी खेल हो हमको ओके है, हमारे लोग ही जीतेंगे ना। इस खेल का नाम है व्हील बैरो रेस। इस खेल को दूसरे देश में बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नया है। एक का पांव और एक पकड़कर गाड़ी को धक्का देते हैं, वैसे आगे जाना है। उधर अंत में जो रेखा है उसको जो बार करेंगे वही जीतेंगे। तुम्हारे चेहरे जैसे ही बहुत कॉमेडी है ये खेल तो। ये भी कोई खेल है क्या? ओह इसलिए अपने बच्चों को ऐसा प्रैक्टिस करवाया? ऐसा चिल्लर खेल के लिए प्रैक्टिस का भी जरूरी है क्या? ठीक है शुरू करो। तब सारे बच्चे रेडी थे। नंदन ने विजिल मारते ही प्रतियोगिता शुरू हुआ। सब धक्का देते हुए आगे जाने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद अमीर बच्चे लोग थक गए और रुक गए। मगर गरीब बच्चे तेजी से आगे जाते ही रहे और आखिर में गरीब बच्चे ही जीत गए।
देखो नंदन, जैसे भी खेल हो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। किसी को भी कम नजर से नहीं देखना चाहिए। मेरे बच्चों को धक्का देना और जमीन पर रेंगने का प्रैक्टिस करने के वजह से उन लोगों ने इतना अच्छा खेल कर जीत गए। अब कृपया करके आपके बच्चों को हमारे बच्चों को कुछ नहीं कहने के लिए कहो। उसके बाद नंदन में बदलाव आके चेक हैंड दिया। सॉरी नवीन सर, अभी हमने आप लोगों को बहुत गंदा बर्ताव किया। अब से हम लोग आपके साथ दोस्ती रहेंगे सर। ए, हम लोग भी तुम लोगों के साथ थोड़ा घमंड से बर्ताव किए, हमें भी आप लोग माफ कर दो। लेट अस बी फ्रेंड्स नाउ। ये देखकर सब लोग तालियां बजाए। तिम्मापुर नाम के गांव में एक घर में एक माँ अपने बेटे को नींद से जगा रही थी। बेटा मन्नू उठो, सवेरा हो गया है, स्कूल जाना है ना? मनु। माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तब माँ। अरे बेटा, दशहरा की छुट्टियाँ खत्म हो गई है, अब उठो भी। देखो बाकी सब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तुम भी उठकर तैयार हो जाओ। मनु। माँ आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है ना, आज स्कूल कोई नहीं आएगा, वैसे भी आज क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होगी। तब उसकी माँ। बेटा तुम अब उठते हो या पिताजी को बुलाओ? अगर वो आए तो तुम्हें यूं उठाकर ले जाएंगे और स्कूल में छोड़ देंगे। तब मनु। क्या पिताजी को बोलोगे? ना ना माँ, रहने दो। तब माँ। इसीलिए कहती हूँ बेटा, उठो अब। इस तरह मनु इच्छा ना होते हुए भी उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। वो अपना स्कूल बैग लेकर सड़क पर पैदल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त बिट्टू दिखाई दिया। मनु बिट्टू से। यार बिट्टू, इन छुट्टियों में हम खेलते रहे और खूब मजा लिया, और हम होमवर्क करना भूल गए यार। विनोद सर ने कहा था कि छुट्टियों के बाद जब आप स्कूल आओगे तो फर्स्ट पीरियड में ही टेस्ट लेंगे। अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो सर खूब मारेंगे यार। बिट्टू। हाँ यार, मैंने भी होमवर्क नहीं किया और ना ही टेस्ट के लिए पढ़ाई की। भाई हमारे विनोद सर के हाथों मार खाना लाजमी है। तब मनु। अरे यार अगर आज सर ना आए तो अच्छा होगा, हम मजे से क्लास में खेल सकते हैं। बिट्टू। अगर ना आए का क्या मतलब? अगर हम उन्हें क्लास में ना आने दे तो कैसा रहेगा? तब मनु। पर ये कैसे संभव है? बिट्टू। अरे उनका घर हमारे स्कूल के जाने वाले रास्ते में ही तो पड़ता है, वो अपने स्कूटी में आते हैं ना, हम उनकी स्कूटी के टायर का हवा निकाल देते हैं। ये बात मनु को बहुत पसंद आई। तब दोनों मिलकर जाते हैं और विनोद सर के घर के बाहर खड़ी स्कूटी का हवा निकाल देते हैं। बाद में बिट्टू। हमने हवा निकाल दिया स्कूटी का, अब विनोद सर हमारे क्लास में नहीं आएंगे। क्लास में जाकर हम अपने सारे दोस्तों को बताते हैं, चलो। यूं दोनों अपने क्लास में जाते हैं। क्लास में मनु अपने दोस्तों से। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग चिंता ना करो कि आप लोगों ने हॉलिडे होमवर्क नहीं किया है। आज हमारे विनोद सर स्कूल नहीं आने वाला है और ना ही हमारा टेस्ट होगा। आज हम पीटी सर को बुलाते हैं और खेलते हैं। ये ये सुनकर सब बच्चे हे 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 कहकर चिल्लाते हुए खुश होने लगे। सब बच्चे क्लास में शरारत करने लगे। एक लड़का कागज के रॉकेट बनाकर दूसरे बच्चों के ऊपर फेंकने लगा। दूसरा लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। मनु और बिट्टू ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए टेबल के ऊपर चढ़कर नाचने लगे और दो बच्चे वहां क्रिकेट खेलने लगे। मनु सबसे, फ्रेंड्स खेलो और ऐश करो, आज हमारे विनोद सर नहीं आने वाले, कहकर चिल्ला रहा था। तभी विनोद सर क्लास के पास पहुंचे। वो क्लासरूम के बाहर खड़े होकर बच्चों को शोर मचाते हुए बिट्टू और मनु को चिल्लाते हुए देखने लगे। बाद में विनोद सर क्लास के अंदर आए। उन्हें देखकर सब बच्चे जहां थे वहीं बुद्ध बनकर खड़े हो गए। बिट्टू के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। विनोद सर, क्यों बच्चो, तुम लोगों से किसने कहा कि मैं स्कूल नहीं आने वाला? तब मनु, सर वो आपकी वो जो स्कूल। यूं कुछ कहने ही वाला था कि बिट्टू ने उसे रोका और कहा, सर आपको आने में देरी हो गई ना, इसलिए हमने सोचा
शायद आप नहीं आएंगे। तब विनोद सर, अरे मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ही मेरी स्कूटी का हवा निकाला है। मैंने तुम दोनों को तभी देख लिया था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम लोग क्या करते हो, इसीलिए मैं चुप रहा। यहाँ आकर तुम दोनों शोर मचाते हो लेकिन तुम दोनों ये भूल गए कि मेरे पास एक बाइक भी है। मैंने सोचा था कि ना ही आज होमवर्क के बारे में पूछूंगा, ना ही तुम लोगों का टेस्ट लूंगा, लेकिन तुम दोनों की शरारत देखकर आज मैंने टेस्ट लेने का फैसला कर लिया है। पर उससे पहले तुम दोनों को सजा तो देनी होगी। सबने क्लास में इतना कूड़ा डाला है, अब तुम दोनों को ही क्लास की सफाई करनी होगी। इस टेबल को भी अच्छी तरह साफ करो। इस तरह उनको फंसाने के लिए सब बच्चों ने मिलकर मनु और बिट्टू को खूब डांटा। रनिंग ऑन वाटर। नारायणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से शहर जाना हो तो वहां मौजूद नदी को पार करना पड़ता था। उस नदी को पार करवाने के लिए पटवारी नाम का एक व्यक्ति एक बेड़ा पे लोगों को चढ़ाकर उन्हें नदी पार करवाता था। पटवारी अपने अच्छाई के चलते लोगों के पास से ज्यादा पैसे नहीं लेता था, मगर एक दिन अचानक पटवारी के मरने के कारण उसके बेड़ा को उसका बेटा कैलाश चलाने लगता है। कैलाश पटवारी के जैसे नहीं था, वो बहुत लालची था। वो लोगों से बहुत पैसे वसूल करता था। एक बार उस नाव पे नदी पार करते वक्त कैलाश से रुक्मिणी नाम की एक औरत, क्यों भाई कैलाश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भी समझ आ रहा है क्या, तुम अपने पिताजी के जैसे नहीं हो। आजकल तुम्हारी लालच बहुत बढ़ गई है। तुम्हारी ये एक बेड़ा ही शहर जाने का सहारा है कहकर बच्चों के पास से भी फुल टिकट वसूल कर रहे हो, ये अन्याय है। देखो दीदी, तुम्हारे सेंटिमेंट बातों से पिघलने के लिए मैं पटवारी नहीं हूँ, कैलाश हूँ। देखिए, आप सबको अभी कह दे रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते से दाम डबल करने वाला हूँ। जिनको मर्जी आए वो यहाँ आइए, नहीं तो इस नदी में चलते हुए जाइए। मगर पैसे नहीं है कहकर जो भी बोलेगा उसे मैं इस नदी में ढकेल दूंगा। ऐसे थोड़े दिन बीत गए, कैलाश लोगों के पास से बहुत पैसे वसूल करने लगा। इस वजह से गांव वाले भी शहर जाना कम कर दिए। एक बार कैलाश उस बेड़े पे लोगों के साथ नदी में जाने लगा था, तभी गणेश नाम का एक बच्चा गुब्बारे की मदद से नदी पार करके जाने लगा। वो देखकर कैलाश आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन से गणेश के साथ साथ उसके परिवार वाले भी उसके जैसे ही बलून की मदद से नदी को पार करके जाने लगे। ये सब गौर करके एक बार कैलाश गणेश के घर को गया। क्या भाई मिश्रा, आजकल तुम्हारा पूरा परिवार नाटक कर रहा है। तुम लोग मुझसे कॉमेडी कर रहे हो क्या? बैलून के अंदर घुसकर नदी पार किए तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोच रहे हो क्या? देखिए, शराफत से नदी पार करने के लिए मेरे पैसे मुझे दे दो। पिताजी, अंकल को लोगों के पास से पैसे एंते एंते लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। देखो, अब से हम वो बीड़ा नहीं चढ़ेंगे, इसलिए हम परसों शहर जाकर बैलून्स खरीद कर लाए हैं। आज हम, कल सारे गांव वाले लेकर आएंगे, तब तुम बैठकर अच्छे से रोना, नहीं तो क्या नदी पार करने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। जाने दोरे, ऐसे पागल लोगों के बारे में हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो लोग ऐसे ही पागलों जैसे बातें करके चले जाते हैं। रे, तुम लोग मुझे कम मांग रहे हो, कल नदी के पास आओ रे, मेरी ताकत क्या है दिखाता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन मिश्रा का परिवार हरदंग के जैसे ही गुब्बारों में नदी पार करने के लिए आए थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक आदमी धनुष और तीर लेकर खड़ा था। वो उन गुब्बारों की ओर तीर मारने लगा, उससे वो तीन गुब्बारे फूट गए। वो देखकर कैलाश मिश्रा से, क्यों रे बैलून्स फैमिली, मेरे पानी के ऊपर से चलते जाने के लिए सोचे थे क्या? उस निशानेबाज को देखा ना, अगर कोई गुब्बारे लेकर आया तो उन्हें ठप 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 कहकर फोड़ देगा। उस वजह से मिश्रा परिवार विवश होकर वहाँ से लौट गए। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद गणेश के साथ और थोड़े बच्चे स्कूल बैग्स पहनकर बैलून के साथ आए। वो देखकर कैलाश, क्यों रे परसों जो हुआ उससे अकल नहीं आई क्या, नए ज्ञान को लेकर आए।
तुम नहीं आओगे सोचकर मैंने मेरे शिकारी को रेस्ट दिया है, यूं सोचे थे क्या? नो, मेरा हंटर हरदम तैयार रहता है। कमान हंटर, कमान हंट दिस वेस्ट फेलोस, कहकर जोर से पुकारा। ऐसे पुकारने के वजह से वो शिकारी आकर उन पे निशाना लगाया। अब उस शिकारी को मिश्रा और बाकी के बच्चों के माता पिता चारों ओर से घेर लिए। उनके हाथों में मौजूद तीरों से उस शिकारी पे तीर छोड़े। बस वो तीर जाकर उसे चुप गए। वो शिकारी बाप रे कहकर वहाँ से भाग निकला। अब बच्चों के पिता उन तीरों को लेकर कैलाश के पास आए। रे रे, तुम मेरी ओर क्यों आ रहे हो? मुझे इन तीरों से मार डालोगे क्या? तीर मारना नहीं रे, तुम्हें खत्म करने की ठान कर ही हम लोग आए हैं। पहले ही तुम्हारे बारे में जिनसे बात करना था उनसे बात कर दिए हैं। डील सेट हो गया है, अब देरी किस बात की? काम शुरू करें क्या? ओहो, तुम लोग प्लान डालकर ही आए हो क्या? तो फिर मैं देर नहीं करूँगा। उतना ही नहीं रे, इस बीड़ा के पास कभी नहीं आऊँगा, कहकर वहाँ से भाग निकला। वो देखकर लोग हंसने लगे। बाद में गांव वाले ही उस बीड़ा को जब्त कर लिए और वो खुद चलाने लगे। मगर बच्चे अच्छे से गुब्बारों की मदद से पानी में तैरते हुए स्कूल जाने लगे। मिनिएचर चिकन बिरयानी। एक गांव में साधना और सारिका कहकर दो औरत आमने सामने घरों में रहते थे। साधना बहुत बोली थी, गांव में कोई भी पूछने से नहीं कहे बिना उनका मदद करती थी। साधना बहुत मेहनत से दूध का व्यापार करके कुछ पैसे इकट्ठा किया। एक दिन सारिका से साधना, भाभी मेरे पति से दोनों हाथों को सोने के चूड़ी बनाने के लिए शादी के पहले दिन से पूछ रही हूँ। जितना बार पूछने से भी कुछ ना कुछ कहकर बात घुमा रहे हैं। इसलिए कैसे भी करके चूड़ी खरीदना है कहकर इन पैसों को बचाई। तुम्हारे हाथों में जो चूड़ी है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तुमने कहाँ खरीदा है बताओगी तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चूड़ी खरीदती हूँ। तब सारिका ईर्ष्या से जल गई और दो दिन रुक जाओ भाभी, मैं ही तुम्हें लेकर जाती हूँ, बोली। तब साधना बहुत खुश हुई। सारिका तुरंत उनकी भाई को फोन करके साधना ने जो कहा वो सब बताई। अरे वो गोबर का गोला बनाने वाली मुझसे मुकाबला करके मैं जो पहनती हूँ वैसे ही चूड़ी पहनकर मेरे आंखों के सामने घूमेगी तो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। तुम तुरंत आकर मैं जैसी कहती हूँ वैसे करो, कहकर उनसे कुछ बोली। तब रोहन, तुम जैसे कहती हो वैसे ही करूँगा दीदी, कल देखना मेरा एक्टिंग का विश्वरूप, कहा। अगले दिन रोहन एक मुनीश्वर का भेष में आकर साधना के घर के सामने आकर भवती भिक्षां देही कहकर पुकारा। तब साधना एक थैली में उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। रोहन साधना को देखकर कुछ बात नहीं किया और पीछे मुड़ गया। तब साधना घबराकर, क्या हुआ है स्वामी, खाना लिए बिना ही चले जा रहे हैं, मुझसे कुछ अपराध हुआ है क्या, पूछी। तब रोहन, अब तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है इसलिए जा रहा हूँ, कहा। तब साधना और भी घबरा गई और आपको तो सब कुछ पता है, आने वाला खतरा से आप ही मुझे कैसे भी बचाइए स्वामी, कहकर पूछी। तब रोहन थोड़े देर के लिए सोचा जैसा नाटक किया और कल से शुरू करके ठीक एक साल तक तुम्हें चार आदमियों को पेट भर खाना खिलाना चाहिए। पेट भर भोजन के लिए हर दिन घर में खाते हैं वैसा दाल सब्जी से नहीं, हर दिन चिकन बिरयानी बनाकर खिलाना है, नहीं तो तुम्हारा पति का जान को खतरा है, कहकर उधर से चला गया। तब साधना मन में, एक साल तक चार लोगों को हर दिन चिकन बिरयानी खिलाना है तो फिर मेरे हाथों में चूड़ी नहीं आएंगे, सोची। रोहन मन में, ऐसे मंद बुद्धि वाले और भी रहने से हमारे जैसे वालों का खेल जारी रहेगा, हर रोज मुफ्त में चिकन बिरयानी खा सकते हैं, सोचा। उस शाम को साधना उनके गौशाला में भैंस से दूध दुहा रही थी। बगल में घास में कुछ हिला जैसा लगा। नजदीक जाकर देखी तो उनको चार लिलीपुट डर से कांपते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक लिलीपुट, माँ हमें कुछ मत करो, हमें बचाओ, ऊपर से हम बहुत मुश्किल में हैं, कहा। तब साधना, कौन हो आप लोग, आपको क्या मुश्किल है? तब उनमें से और एक लिलीपुट, माँ हम लिलीपुट राज्य का युवराजा है, हमारे जान को खतरा है कहकर हमारा पिताजी हमें राज्य से बाहर भेज दिए, एक साल तक हम इस गौशाला में सर छुपाएंगे, बाहर का दुनिया को हमारे बारे में पता चले बिना बचाओ माँ, कहकर पूछा।
तब साधना आप बिल्कुल मत डरिए और निश्चिंत रहिए, बोली और मन में ये क्या है, सब अजीब सा लग रहा है। मुनीश्वर ने मुझे खतरा से बचने का परिष्कार कहने के दिन ही ये लिलीपुट मुझे दिखाई दिए। ये चारों को एक साल तक चिकन बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ। अगले दिन साधना उस गौशाला में छोटा सा चूल्हा जलाई, छोटे छोटे बर्तन में चिकन बिरयानी बनाने का चीजों को ला कर रखी। एक छोटा सा बर्तन में चिकन बिरयानी तैयार किया। साधना के घर से चिकन बिरयानी का खुशबू को सूंघकर सारिका मन में बहुत खुश हुई। साधना ने बनाया चिकन बिरयानी को उन चारों लिलीपुट को खिलाई। वे चारों पेट भर खाए और खुश हो गए। साधना ऐसा एक साल तक किसी को भी पता चले बिना उन चारों लिलीपुटों को छोटे छोटे बर्तन में चिकन बिरयानी बनाकर खिलाने लगी। एक साल पूरा हुआ, साधना के घर के सामने एक लिलीपुट का महाराज घोड़े पर उनका सेना के साथ आया। साधना को चार थैली भर के सोना देकर, माँ तुम्हें कैसे धन्यवाद कहना है पता नहीं चल रहा है। मेरे चारों बेटों को इतने दिन बहुत अच्छे से बचाई, हमारे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, मना मत करो, कहकर उन थैलियों को दिया। वे चार लिलीपुट साधना को प्रणाम करके चले गए। लिलीपुट ने दिया हुआ सोना से साधना पूरा बदन भर के गहना बनाई। सब गहने पहनकर सारिका के पास गई और, भाभी ये गहने कैसे दिख रहे हैं? जरा देख के बताओ। तब सारिका, इतने सारे गहने तुम्हारे पास कैसे आए? तब साधना, सब कुछ एक मुनीश्वर का दया है, कहकर जो कुछ हुआ वो सब बताई। सब सुनकर सारिका घश खाकर गिर गई। बैलून गैस सिलेंडर चैलेंज। एक गांव में बब्बन नाम का गुब्बारे बेचने वाला रहता था। बब्बन बच्चों को महंगे दामों में गुब्बारे बेचता था। थोड़ी देर के लिए बच्चे गुब्बारे के साथ खेलते तो गुब्बारे फट जाते। एक दिन गुणा नाम का लड़का, अरे चाचा जी ये क्या, आपके पास गुब्बारे खरीदते ही फट जाते हैं, हमें बार बार आकर आपसे गुब्बारे खरीदने पड़ते हैं। आप अकेले सारे गांव में गुब्बारे बेचते हैं इसीलिए आपसे खरीदना पड़ता है, नहीं तो आपके पास कोई नहीं आने वाला, समझे? बबन ये क्या बात कर रहे हो बेटा, वो गुब्बारे मैं थोड़ी बनाता हूँ, मैं तो सिर्फ उनमें हवा भर कर बेचता हूँ। अब तुम लोग गुब्बारे नहीं संभाल पाए तो मैं क्या करूँ? ये तो गनीमत है कि तुम लोगों ने बैलून के लिए एक साल का वारंटी नहीं पूछा। खरीदना हो तो खरीदो वरना चलते बनो। गुना, आप जो हवा भरते हैं ना इसमें ही कोई गड़बड़ है अंकल जी, हम समझ गए। बहुत जल्द यहाँ गुब्बारे बेचने वाला एक और आदमी आएगा, तब आपका धंधा नहीं चलने वाला अंकल जी। बबन बाप रे, लगता है इन आफत के पुड़ियों को मेरे बारे में पता चल गया। एक दिन ब्रिजेश नाम का गैस सिलेंडर वाला बबन के पास आया। बबन भाई एक आदमी ने अपने घर में गैस सिलेंडर बुक किया था लेकिन उसने लिया नहीं, तुम्हें चाहिए तो बोलो, सिर्फ 100 रुपए ज्यादा लूंगा बस। बबन नहीं भैया, अब घर में गैस और पड़ा है, एक गैस का सिलेंडर लेके मैं क्या करूंगा। ब्रिजेश, अच्छा भाई गुब्बारे में सिलेंडर के गैस भरोगे तो गुब्बारे ज्यादा दिन टिकेंगे, वो जल्दी नहीं फटेंगे, इसीलिए पूछ रहा था। बबन अरे तुम्हारी मत मारी गई है क्या, अगर गुब्बारे नहीं फूटेंगे तो दोबारा मेरे पास खरीदने कौन आएगा भाई, मेरा धंधा तो फिर ठप हो जाएगा। जाओ जाओ, यूं फालतू सलाह दिया करो। ब्रिजेश जाने ही वाला था कि बबन ने उसे रोक कर, भाई रुको रुको, क्या तुमने सच कहा, ये गैस वाले गुब्बारे फटते नहीं है क्या? ब्रिजेश, भाई इतने जल्दी नहीं फटने वाले। तब बबन, तो ठीक है वो सिलेंडर यहाँ रख कर जाओ, मैं खाली सिलेंडर और पैसे बाद में दूंगा। बाद में बबन ने उस गैस सिलेंडर के ऊपर गुब्बारों को रखा, गुब्बारे में गैस भर गया। इस तरह बब्बन ने बहुत सारे गुब्बारे उस सिलेंडर के गैस से भरा। फिर उसने उन गुब्बारों को एक बांस से बंधे गत्ते पर चिपकाया। फिर उसके सामने उसने एक मेज रखा और एक राइफल रखा। तभी वहाँ कुछ बच्चे पहुँचे, उनमें से गुना भी एक बच्चा था। बब्बन, बच्चों तुम लोग कहते रहते हो ना कि मेरे गुब्बारे यूं ही फूट जाते हैं, वो टिकाऊ नहीं है, भाई अगर तुम लोगों में दम हो तो मेरे इन गुब्बारों को इस बंदूक से गोली मारकर फोड़ो तो मैं मानू, अगर तुम लोगों ने इसमें से एक भी गुब्बारा फोड़ा तो मैं 1000 रुपए दूंगा, बस इन गुब्बारों को फोड़ने के लिए तुम्हें 100 रुपए भरने होंगे, हर एक को 10-10 मौके मिलेंगे, ठीक है? तब गुना, इससे इतनी हिम्मत कहाँ से आई, यूँ सोचने लगा। एक लड़के ने बंदूक उठाया और गुब्बारों को फोड़ने की कोशिश करने लगा। बंदूक के छोटे छोटे छल्ले गुब्बारों पर लग तो रहे थे लेकिन गुब्बारे फूट नहीं रहे थे। उसके बाद एक लड़की ने कोशिश की। यूँ हर रोज बब्बन गुब्बारों को गैस से भरने लगा।
हर रोज बच्चे उस गुब्बारे के चैलेंज में भाग लेने लगे। एक भी बच्चा उस गुब्बारे को उन छल्लों से फोड़ नहीं पा रहा था। इस तरह बब्बन खूब पैसे कमाने लगा। गुना कुछ समझ नहीं पाया। एक दिन गुना ने बब्बन को गुब्बारों को गैस से भरते हुए देखा। गुना, अच्छा तो ये बात है भाई, किसी ना किसी तरीके से ये बच्चों को ठगता रहता है, इसे सबक सीखा नहीं होगा। अगले दिन गुना ने गैस सिलेंडर वाले ब्रिजेश को कुछ पैसे दिए और उसके कान में कुछ कहा। तब ब्रिजेश ने बब्बन को गैस के बजाय खाली हवा वाले सिलेंडर ला कर दिया। बब्बन ने गुब्बारों को उस सिलेंडर वाले हवा से भर दिया। बैलून चैलेंज शुरू हुआ। गुना ने निशाना साधा और गोली चलाई। गुब्बारे पर छल्ले लगते ही एक साथ चार गुब्बारे फूटे। सब बच्चों ने जोर से ताली बजाई। बब्बन ने परेशान होकर उसे 4,000 रुपए दिए। यूं सब बच्चे गुब्बारे फोड़ने लगे। बब्बन ने उन्हें 1,000 रुपए दिए। यूं हर रोज होने लगा तो धीरे धीरे बब्बन कर्ज में डूब गया। उसने उस गांव में गुब्बारे बेचना बंद किया और गांव छोड़कर चला गया। जब बच्चों को इस बात का पता चला, उन्होंने गुना की होशियारी पर उसे शाबाशी दी।